गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे परीक्षा के लिए पूरा अभ्यासक्रम खत्म हुआ है, यानी कि हमने समझ लिए हैं। अब आज हम रिवीजन में पत्र देखेंगे। परीक्षा के अंदर प्रश्न पत्र में चौथा विभाग, पहला है गद्य विभाग यानी कि पाठ के प्रश्न, फिर है पद्य विभाग, उनमें है काव्य के प्रश्न, फिर है व्याकरण विभाग, उसके अंदर व्याकरण के समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, मुहावरे, यानी कि व्याकरण के जो जो भी प्रश्न है उनमें से कोई पूछा जाएगा, बराबर। और चौथा विभाग है लेखन विभाग। लेखन विभाग के अंदर हमें पत्र भी लिखना है, कहानी भी लिखनी है, और उसके साथ कुछ प्रश्न भी होंगे जो आपको समझकर अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखने होंगे, बराबर। तो आज हम पत्र देखते हैं। हमारे 12वें लेसन में, लेसन नंबर 12, धुमधुमा गांव के बच्चे, उनमें एक प्रश्न है जो पत्र है। तो उस पत्र में क्या है, तो किसी समस्या के बारे में अपने सरपंच या नगर सेवक को पत्र लिखिए, बराबर, ये सूचना है। तो इस सूचना के हिसाब से आपको पत्र लिखना है। पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि पत्र में क्या लिखना है। तो पहले लिखना होगा पता, किसका पता, तो आपका, यानी कि लिखने वाले का, पत्र लिखते हैं उसका पता लिखना है, बराबर। जो आपके पुरवनी जो होगी उसके बाई ओर लिखोगे, किस ओर, बाई ओर, यानी कि लेफ्ट साइड, बराबर। तो वहाँ आपका पत्र लिखोगे। यहाँ पर मैंने पत्र में एक पता लिखा है, जो दूसरा है पता, आपको आपका पता लिखना है। क्या रामपुर के ग्रामजन, रामपुर गांव है, उस गांव के लोग हैं ग्रामजन, मोहल्ला नंबर 2, मोहल्ला यानी मोहल्ला, फिर हमें दिनांक लिखनी है। तो दिनांक में क्या लिखोगे, यहाँ 10 जनवरी लिखी है, तो हमारा पेपर जिस तारीख को है उस तारीख की दिनांक आप लिखोगे, बराबर। 5 तारीख है तो 5, 8 है तो 8, और इस तरह से दिनांक लिखोगे। फिर महीना, तो महीना जनवरी ही होगा, है ना। और फिर ये जनवरी है वो शब्द में लिखना है आपको, बराबर। और फिर साल, तो हमारी साल कौन सी होगी, 2021, तो यहाँ पर लिखोगे आप 2021, बराबर। अब आगे, तो आगे आपको लिखना है प्रति, यानी कि संबोधन करना है ना, इसीलिए मान्यवर सरपंच महोदय, रामपुर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को लिखा है ना, जो नगर सेवक को लिखो, तो नगर पालिका, बराबर। फिर है विषय, तो विषय में क्या लिखोगे, तो मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना, यानी कि मोहल्ला और गांव दोनों की गंदगी दूर करनी है, उसके बारे में आपको पत्र लिखा गया है। अब विगत लिखनी है, विषय वस्तु लिखना है,
तो आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे रामपुर गांव में, खासकर हमारे मोहल्ले नंबर 2 में कूड़ादान नहीं है, कचरा पेटी जिन्हें हम कहते हैं वह नहीं है। अतः लोग इधर उधर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है। इस प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है, बराबर। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा गांव में कूड़ेदान रखवाए और उनकी सफाई करवाने का उचित प्रबंध करें, आयोजन करें, ताकि गांव स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, बराबर। ये हमारा पत्र हो गया। इस तरह से आपको पत्र पूछा जाए तो लिखना है, बराबर। फिर से, फिर अभी नीचे क्या लिखोगे? भवदीय, यानी कि संबंध, भवदीय। और फिर है रामपुर मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजन, लिखने वाला कौन है उसका, बराबर। तो नाम लिखा है। तो इस तरह से आपको ये पत्र लिखना है। फिर से जो आपको ऐसा पूछा जाए कि किसी समस्या के बारे में अपने सरपंच या नगर सेवक को पत्र लिखिए, तभी आप इस तरह से पत्र लिख सकते हो। अब आपको पाठशाला के बारे में कहा है कि पाठशाला में आचार्य को लिखना है, तो यहाँ आप आपका पता लिखकर फिर यहाँ लिखोगे माननीय आचार्य, बराबर। तो आपको इस तरह से पत्र लिखना है। यहाँ हमने मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करने के लिए कहा है, बराबर। तो ये सही है। तो यहाँ गांव का नाम अलग लिख सकते हो, आपके गांव का भी नाम लिख सकते हो, बराबर। तो ध्यान से ये पत्र आप लिखोगे। अब पत्र में आपको समझ आ गई होगी और इस तरह से आप पत्र लिखने का प्रयत्न करोगे। घर पर भी प्रैक्टिस करो, तब आप लिखने का प्रयत्न करोगे तो आपको जल्दी याद रह जाएगा। अब है कहानी। तो हमारे पुस्तक में बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से लेसन नंबर 1 के अंदर कहानी है जो है चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चराता है, वह है, बराबर। फिर है लेसन नंबर 4 के अंदर कहानी, सॉरी लेसन नंबर 3 के अंदर कहानी, 4 के अंदर कहानी जो टोपी वाला फेरिया, आपको पता होगा है ना, टोपी वाला और बंदर, तो वह है। फिर है हमारे अगले पुनरावर्तन 1 के अंदर बिल्ली और बंदर की कहानी है, बराबर, वो कहानी याद करनी है। फिर हमारे 7वें लेसन में है एकता में बल, है ना, ये कहानी है जो आपको याद करनी है। फिर हमारे पुनरावर्तन 2 के अंदर है टोपी वाला फेरिया, टोपी वाला और बंदर, जो आपको कहानी याद करनी है, बराबर। अब नौवे लेसन में भी है एक कहानी जो है हाथी और बरगद, पेड़ की कहानी थी ना जो आपको पता होगा, तो वह याद रखनी है, बराबर। फिर है एकता में बल, फिर से सांप और मेढक की कहानी याद आई आपको,
तो वह भी करनी है। इनमें से कोई भी कहानी पूछी जा सकती है जो आपको लिखनी होगी, बराबर। उसके बाद है कछुआ और खरगोश, है ना, जो हमारे लेसन नंबर 16 कहानी है, उसके अंदर एक कहानी है, बराबर। तो इस तरह से आप ये सभी कहानियाँ एक बार पढ़ लोगे, वैसे तो आपको आती है, तो पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आप लिख सकते हो, बराबर। तो ये कहानी आपको करनी है। तो अब आप, आज हमने रिवीजन में पत्र और कहानी देखी, पत्र फिर से एक बार लिखने की कोशिश करोगे जो परीक्षा में आपको लिखने में तकलीफ न हो, बराबर। इस बार परीक्षा हमारी ऑनलाइन है, सामने टीचर बैठे होंगे, तो आप कुछ भी गफलत कर सकोगे नहीं, बराबर। वैसे तो नहीं करते हो, पर फिर भी बराबर यहाँ वहाँ भी नहीं देख सकोगे, तो आपको आपके हिसाब से लिखने में अच्छा रहे, ओके। तो आज हम रिवीजन में इतना ही लेते हैं, अगली वीडियो में हम दूसरा रिवीजन समझेंगे जो आपको पेपर के लिए काम में आए, बराबर। थैंक यू।